दोस्तों, हम लोग वीडियो एडिटिंग के लिए जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादातर लोग जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो बेसिकली क्रक्ट करके करते हैं। एंड मैंने भी पहले क्रक्ट करके इसको इस्तेमाल करता था, एंड ये बिल्कुल सही नहीं है। आपका कंप्यूटर या लैपटॉप की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल ये सेफ नहीं है। तो इस मामले में आप क्या करेंगे, तो काफ़ी सारा पेड जो एप्लीकेशन है उसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा फीचर मिलता है, एंड जो फ्री एप्लीकेशन है उसके अंदर अच्छा खासा फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि विंडोज़ मूवी मेकर होता है। तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड आप कन्फ्यूजन में पड़ते हो कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे अच्छा है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपके पीसी के लिए सबसे अच्छा है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टॉप 5 जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एंड जो मैंने इस्तेमाल किया हूँ एंड बिल्कुल फ्री है। आपको कभी भी वो सॉफ्टवेयर फोर्स नहीं करेंगे कि आपको पेड जाना होगा। ज़्यादातर लोग फिल्मोरा, प्रीमियर प्रो, ये सारे के सारे कैमटेशिया, ये सारे के सारे चीज़ इस्तेमाल करते हैं। एंड जो फ्री एप्लीकेशन आपको बताऊंगा, ये सारे के सारे एप्लीकेशन से बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। टॉप 5 एप्लीकेशन जो है आपको बताऊंगा, एंड जो टॉप नेस्ट कंपनी है, इवन मूवी मेकिंग होता है इससे, एंड आयरन मैन जैसे इफेक्ट भी इस सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर बताऊँगा इसके अंदर। एक सॉफ्टवेयर है आयरन मैन में जैसा इफेक्ट होता है आयरन मैन मूवी में, ऐसा आप इफेक्ट भी डाल सकते हो। तो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेने के लिए वीडियो को आगे जरूर देखते रहिए। दोस्तों, आप एक महंगा सॉफ्टवेयर फ्री में उसको इंटरनेट से डाउनलोड करके, गूगल से या टॉरेंट से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो जो लोग हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो आपको फ्री में यू ही ऐसे इस्तेमाल करने दे रहा है। एंड जो लोग क्रैक्ट करके आपको दे रहा है, वो यू ही आपको क्रैक्ट करके दे रहा है, उसका मेहनत नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर है। इस मामले में अगर आप क्रैक्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो तो आपका सिक्योरिटी के लिए काफ़ी थ्रेटिंग चीज़ आई है, एंड आपको इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 फ्री एप्लीकेशन के बारे में जो वीडियो एडिटर है एंड आपको पीसी के लिए काफ़ी अच्छा इंटरफेस देता है एंड काफ़ी इजी टू यूज़ है ये सारे के सारे एप्लीकेशन। तो चलिए फर्स्ट नंबर 5 एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 5 है ओपन शूट एप्लीकेशन। ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, मतलब ये पेड के लिए आपको जाने के लिए नहीं कहेंगे, फोर्स नहीं करेंगे, बिल्कुल ओपन सोर्स है। एंड आपको, आप इससे डाउनलोड कर सकते हो, विंडोज़ मैक एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी ये अवेलेबल है, एंड इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। openshoot.org करके इसका वेबसाइट है, एंड नीचे कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे जाके आपको ये इसका लिंक जो है मिल जाएगा। एंड ये काफ़ी अच्छा खासा एप्लीकेशन है, एंड इसके अंदर आप जो इंटरफेस देखेंगे काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, इजी टू यूज़ है। अप टू 4K तक इसको, इसके अंदर वीडियो रेंडरिंग आप कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग करके 4K वीडियो रेंडरिंग कर सकते हो। एंड एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा खासा चीज़ है अगर 4K वीडियो रेंडरिंग कर पाता है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया OBS स्टूडियो, एक स्क्रीन रिकॉर्डर है जो ओपन सोर्स है, अब जाके देख लीजिए, काफ़ी अच्छा खासा स्क्रीन रिकॉर्डर है, ऐसे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यह है। देन नंबर 4 में है जो काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है, जो एडवांस वीडियो एडिटिंग के लिए फ्री एक वीडियो एडिटर चूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन है हिट फिल्म एक्सप्रेस। सेम जो प्रीमियर प्रो है उसकी तरह है, हिट फिल्म एक्सप्रेस जो है प्रीमियर प्रो की तरह है। एंड अगर आप एक प्रीमियर प्रो यूज़र हो एंड इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा खासा चीज़ है। एंड ये जो आपको पीसी का कॉन्फ़िगरेशन है, ये हिट फिल्म एक्सप्रेस के लिए काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए। नॉर्मल सा कॉन्फ़िगरेशन में ओपन शूट या विंडोज़ मूवी मेकर ऐसा कुछ इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन हिट फिल्म जो है एक प्रोफेशनल है। जैसे कि आयरन मैन जो मूवी है उसका इफेक्ट होता है, टेक इफेक्ट, वो सब कुछ हिट फिल्म के अंदर कर सकते हो, हिट फिल्म एक्सप्रेस के अंदर काफ़ी अच्छा खासा चीज़ है। तो इसका जो लिंक है ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो है आपका iOS के लिए भी मिल जाएगा एंड आपका जो विंडोज़ है उसके लिए भी मिल जाएगा। देन है लाइट वर्क जो एप्लीकेशन है, ये उतना इजी टू यूज़ नहीं कहूँगा, फिर भी ये काफ़ी इजी टू यूज़ है इसके मामले में, लेकिन ओपन शूट जो है वो काफ़ी इजी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक भी लाइक। देन बात करते हैं कि ऐसा वीडियो एडिटर की जो आपको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब बिगिनर लेवल का जिसको वीडियो एडिटिंग का कुछ भी नहीं पता है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नाम है विंडोज़ मूवी मेकर। अगर आप मैक यूज़र हो तो iMac उसको इस्तेमाल कर सकते हो, सॉरी iMovie इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी, ये दोनों ही काफ़ी इजी टू यूज़ है। इसके अंदर उतना सारा फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ ट्रांजेक्शन्स ट्रिमर ये सारे की सारी चीज़ मिलेगा, एंड इसके अंदर रेंडरिंग जो है काफ़ी अच्छा खासा होता है, एंड ये इजी टू यूज़ है। एंड नॉर्मल सा वीडियो एडिटिंग करना है, ये बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको विंडोज़ के अंदर नॉर्मल से ये मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो कैसे डाउनलोड करना है, विंडोज़ मूवी मेकर सर्च कीजिए तो काफ़ी अच्छा खासा चीज़
जो है डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन फाइल ईबुक का जो डाउनलोड लिंक है उससे मैं डाउनलोड करता हूँ, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फाइल ईबुक से डाउनलोड कर सकते हो। देन एट लास्ट जो मैंने लिस्टिंग किया था वो है शॉर्टकट, एंड इसका जो इंटरफेस है उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे। शॉर्टकट जो है उतना ईजी टू यूज़ नहीं है, लेकिन ये अच्छा खासा एक एप्लीकेशन हो सकता है आपके लिए फ्री, जिससे आप अंदर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो इसमें बेस्ट वीडियो एडिटर कौन सा है एंड मैं किसको इस्तेमाल करता हूँ? इसमें जो बेस्ट वीडियो एडिटर है ये हिट फिल्म एक्सप्रेस है, अगर आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो। अगर आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है, नॉर्मल सा है, तो आप विंडोज़ मूवी मेकर इस्तेमाल कर सकते हो या ओपन शूट इस्तेमाल कर सकते हो। ओपन शूट काफ़ी अच्छा खासा चीज़ है। अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एडोबी प्रीमियर प्रो, एंड एडोबी का सब्सक्रिप्शन मेरा है, ठीक है। तो मैं एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर हूँ, इसीलिए एडोबी का सब्सक्रिप्शन मेरे को लेके रखना पड़ा, तो मैंने एक प्रीमियम पैकेज लिया। तो एडोबी प्रीमियर प्रो मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा खासा चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर मैंने हिट फिल्म इस्तेमाल करता था, पहले मैं फिल्म रो इस्तेमाल करता था, देन ओपन शूट जो चीज़ है मैंने ट्राई कर रहा हूँ उसको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एंड काफ़ी अच्छा खासा चीज़ है, तो मैं ओपन शूट जो है उसको ही रिकमेंड करूँगा। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा। अगर आपको लगा ये वीडियो अच्छा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग डिजिटल पंडित।